हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे पास हमारी बुक नंबर 2 है, जिसका नाम स्टैट्स है, उसको हम लोग काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं और उसके अभी तक हम लोग 5 चैप्टर को पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो आज का चैप्टर होगा वो आपके लिए एक नया चैप्टर है, जिसका नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इनटू बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम। देखो भाई, जो ये वाला चैप्टर है, नया चैप्टर आपके पास, ये भी एक प्रेजेंटेशन का ही दूसरा पार्ट है। जो हम लोग लास्ट चैप्टर हम लोगों ने किया था ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम डेटा को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका टेक्स्ट की फॉर्म में, दूसरा तरीका टेबल की फॉर्म में। ठीक है, उसी चैप्टर का एक्सटेंडेड वर्जन है। और तरीके से भी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो दो तरीके और कौन से हैं, एक तो बार डायग्राम की फॉर्म में और एक पाई डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, मतलब क्या, जो डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया है उसको हम लोगों को प्रेजेंट करना है। लास्ट के चैप्टर में हम लोगों ने सीख चुके थे कि टेक्स्ट की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं और टेबल की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, और जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोगों को जानना होगा कि बार डायग्राम की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं और पाई डायग्राम की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो देखो भाई, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मतलब डायग्राम की फॉर्म्स में हमने जो डेटा इकट्ठा किया है उसको डायग्राम की फॉर्म में हम लोगों को प्रेजेंट करना है। ठीक है, डायग्राम की फॉर्म में उसको शो करना है। वो दो डायग्राम कौन कौन से होंगे, या तो बार डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं उसको। ठीक है, ये बार डायग्राम क्या होता है ये आपको मैं आने वाले टॉपिक्स में पूरे अच्छे से क्लियरली समझाऊंगा, या फिर पाई डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, तो और कहता है क्या, देखो कहता है जो ये बार डायग्राम और पाई डायग्राम है ना, ये एक जियोमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है, जियोमेट्री की फॉर्म है। ठीक है, जियोमेट्री का मतलब क्या, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी या फिर मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होगी जहां पर आप जियोमेट्रिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या, यहां पर फ्रीक्वेंसी डायग्राम इंक्लूडिंग हिस्टोग्राम पॉलीगन एंड ऑगिव्स। कहता है कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास हिस्टोग्राम भी आएंगे, ठीक है, पॉलीगन भी आएंगे, ऑगिव्स भी आएंगे, एंड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ एंड टाइम सीरीज ग्राफ, और अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ भी इसी टॉपिक के अंदर आने वाला है, जो ये प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे भाई। ठीक है, आगे कहता है देखो कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो मेनली 3 प्रकार की होती है। मतलब क्या, हम लोगों ने सीखा था लास्ट चैप्टर में कि प्रेजेंटेशन 2 प्रकार की है, एक टेक्स्ट की फॉर्म में और एक टेबल की फॉर्म में। पर अगर हम सही तरीके से कहें तो वो प्रेजेंटेशन 3 प्रकार की होती है, एक टेक्स्ट की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में, और तीसरी डायग्राम की फॉर्म में। ठीक है, जो दो फॉर्म्स थी वो हम पहले सीख चुके थे। जो आज डायग्राम की फॉर्म है उसको हम लोग आज कवर करेंगे। अब कहता है कि वो डायग्राम की फॉर्म भी 3 तरीके की होती है। जो डायग्राम्स होते हैं ना वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जो जियोमेट्री की फॉर्म में हो, ठीक है, जियोमेट्री की फॉर्म में हो। दूसरा, जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम हो। और तीसरा, जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स हो। ग्राफ भी तो एक डायग्राम होता है भाई, आप ग्राफ प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, वो भी तो एक प्रकार का डायग्राम होता है। ठीक है, कहता है वो डायग्राम भी 3 प्रकार के होते हैं, और उन तीनों प्रकार में जो पहला जियोमेट्री फॉर्म था उसके अंदर भी 2 प्रकार के डायग्राम आते हैं। पहला डायग्राम, एक तो बार डायग्राम आता है, दूसरा पाई डायग्राम आता है। ठीक है, और जो आगे फ्रीक्वेंसी डायग्राम आएगा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम है उसके अंदर भी 3 प्रकार के डायग्राम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हिस्टोग्राम होता है, दूसरा पॉलीगन होता है, और तीसरा होता है ओगिव भाई। ठीक है, और जो तीसरा लास्ट हमारे पास है, थर्ड टाइप ऑफ डायग्राम, जिसका नाम है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ, मतलब टाइम सीरीज ग्राफ है यहाँ पर। ठीक है, तो डायग्राम ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे सबसे पहले जो जियोमेट्रिक की फॉर्म में है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक फॉर्म समझनी है, जिसका नाम है जियोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, हम सिर्फ यहां पर ज्योमेट्री की फॉर्म को समझेंगे, जिसके अंदर बार डायग्राम आएंगे और पाई डायग्राम आएंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं बार डायग्राम क्या होता है। देखो भाई, बार डायग्राम आर दोज डायग्राम इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ बार और रेक्टेंगल्स। मतलब
इस प्रकार के डायग्राम होते हैं जहां पर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स, बार की फॉर्म में। अब आप लोग पूछेंगे सर बार क्या होता है, बार का मतलब भाई रेक्टेंगल की फॉर्म में। अब रेक्टेंगल कैसा होता है भाई, वो सब आप जानते ही हैं, जिसकी दो साइड इक्वल्स होती हैं, ठीक है, जिसकी दो साइड इक्वल हो, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, ठीक है, जहां पर हम रेक्टेंगल की फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। बार आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलम्स, और जो बार होते हैं उनको कॉलम भी कहा जाता है। मतलब जैसे आप लोगों ने घर पर एक दीवार को सहारा देने के लिए कॉलम खड़ा कर दिया, वो कॉलम क्या है, कॉलम की दो साइड इक्वल है, ठीक है, कॉलम की दो साइड इक्वल है, चार साइड होती है कॉलम की, ठीक है, तो उसकी कोई ना कोई दो साइड इक्वल्स हैं। जैसे मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, अब टेबल ये एक रेक्टेंगल फॉर्म की है, इसकी दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड, ठीक है, इस प्रकार का ही बार होता है, ठीक है। अब हम कुछ इसके फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। देखो बार और उसके फीचर क्या होते हैं, सबसे पहले द लेंथ और हाइट ऑफ द बार डिफर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब जो बार की लेंथ होगी, बार की जो लेंथ है या हाइट है वो अलग अलग हो सकती है, जो जैसा भी हमारा वेरिएबल है। मान लो किसी घर की छत भाई 5 फुट पे है, 8 फुट पे है, 10 फुट पे है, जगह की जैसी जैसी वैल्यू होगी वैसे ही उस बार की हाइट होगी, वैसे ही उस कॉलम की हाइट होगी भाई, ठीक है। आगे कहता है दैट इज लेंथ मे बी मोर और लेस बट ब्रेथ रिमेन्स द सेम। कहता है लेंथ उसकी कितनी भी हो, लेंथ ऊंची नीची हो सकती है, हाइट ऊंची नीची हो सकती है, पर उसकी जो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, वो सेम रहेगी हर बार की। एक डायग्राम के अंदर जितने भी बार हो, जितने भी कॉलम हो, सबकी विड्थ कॉमन रहेगी, सबकी विड्थ सेम रहेगी, ठीक है, हाइट और लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में कहता है बार में भी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बार कैसे भी हो सकते हैं, वर्टिकली भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। तीसरा बार आर इक्विडिस्टेंट, मतलब क्या, जो बार्स के बीच में डिस्टेंस होगा ना वो इक्वल होगा, ठीक है। आगे कहता है ऑल बार आर बेस्ड ऑन सेम सम कॉमन बेस लाइन। कहता है जितने भी बार्स होंगे वो उनकी जो बेस होगा वो कॉमन बेस होगा, ये नहीं है एक बार 4 फुट गहरा है, एक बार 2 फुट है, एक बार जीरो बेस पे है, ठीक है, तो सबकी जो बेस लाइन होगी वो कॉमन होगी भाई, ठीक है। आगे कहता है अनलेस डेटा एज्यूम सम स्पेसिफिक ऑर्डरिंग दी शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कहता है कि डेटा हमारा किसी भी प्रकार का हो, पर या तो वो असेंडिंग में होगा, या अगर असेंडिंग में है तो सारा ही असेंडिंग में होगा, अगर डिसेंडिंग में है तो सारा ही डिसेंडिंग में होगा। मतलब सीधी सी बात है, एक ऑर्डर फॉलो करना है, कोई भी एक ऑर्डर होगा, असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग हो। और लास्ट में कहता है टू मेक द बार अट्रैक्टिव दीज मे बी शेडेड विद डिफरेंट कलर। अपने बार्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम हर बार को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर देते हैं, अलग अलग कलर, किसी को डार्क कर देते हैं, किसी को लाइट कर देते हैं, या फिर अलग अलग उसको कलर प्रेजेंट कर दो भाई, ठीक है। तो ये थे बार के फीचर्स और बार के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम के। बार डायग्राम के भी कितने टाइप होते हैं भाई, बार डायग्राम के भी 5 टाइप होते हैं, ठीक है, जो बार डायग्राम हम लोग सीखेंगे उसके भी 5 टाइप होते हैं, और जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीखेंगे सिर्फ 1 टाइप, ठीक है, जो बाद के जो 4 टाइप हैं वो कल के लेक्चर में सीखेंगे। तो जो बार डायग्राम का सबसे पहला टाइप है सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है सिंपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच आर बेस्ड ऑन ए सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मतलब ऐसे डायग्राम होते हैं जो सिंगल न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर बेस करते हो, मतलब एक जिसके वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक हो, मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो उसके पास। जैसे बात करता हूं मैं, इस क्लास में 31 बच्चे हैं, उनकी एज की बात कर लेता हूं, एक 16 साल का, एक 15 साल का, एक 17 साल का, एक 18, 19, 20, 21, 10, 15, कुछ भी वैल्यू लगा लो, हर स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है। मतलब किसी की 15, किसी की 14, सबकी एक है ना, सबकी एवरेज हाइट है, सबकी जो एज है, सबकी मैंने सिर्फ एज ही ली है ना, एक ही वैल्यू ली है, उनकी हाइट नहीं ली मैंने, उनका वेट नहीं लिया मैंने, मैंने सिर्फ उनकी एज ली है।
तो सिंपल बार डायग्राम मतलब ऐसे डायग्राम जहां पर एक ही वैल्यू हो वेरिएबल की, मल्टीपल वैल्यू ना हो, ठीक है। वो बर्थ रेट भी हो सकती है, वो डेथ रेट भी हो सकता है, वो प्रोडक्शन लेवल भी हो सकता है, वो एज भी हो सकती है, वो वेट भी हो सकता है, या वो कोई कॉमन नंबर भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए बस, कैसा और डेटा होना चाहिए, न्यूमेरिकल डेटा हो, ठीक है। तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से उसको सिखा देता हूं वो कैसा होता है। देखो भाई, ये हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, यहां पर डिफरेंट ईयर्स का एक डेटा प्रोवाइड कर रखा है हमें, बर्थ रेट के अलग अलग साल में, हर 10 साल का डेटा प्रोवाइड कर रखा है हमें कि हर 10 साल में जो भारत देश है वहां पर जो बर्थ रेट है कि जन्म दर है वो कितनी है। कहता है 1951 से 60 के बीच में 45% थी, ठीक है। आगे 61 से 70 के बीच में 35% थी, 71 से 80 के बीच में 30% थी, 81 से 90 के बीच में 28 और 91 से 2000 के बीच में 24 और 2000 से 2010 के बीच में 20% थी वो, ठीक है। उसने बर्थ रेट का डेटा दिया है, एक ही डेटा है हमारे पास, उस वेरिएबल की सिंगल वैल्यू है वो क्या है, बर्थ रेट, ठीक है। उसको यहां पर उसने वर्टिकल बार डायग्राम की फॉर्म में उसको शो कर रखा है। अब मैंने कहा था बार डायग्राम के भी 5 प्रकार होते हैं, और जो सिंपल बार डायग्राम होता है उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वर्टिकली रिप्रेजेंट कर लो या फिर हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल फॉर्म देखते हैं। वर्टिकल फॉर्म जहां पर कॉलम की फॉर्म में, जहां पर वो एक कॉलम की फॉर्म्स में हो, मतलब स्टैंडिंग फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन उसने दे दिया, जहां पर जो हमारे पास वाई एक्सिस है वहां पर उसने बर्थ रेट रख लिया 0 से लेके 50 तक का, ठीक है। और जो नीचे हमारे पास एक्स एक्सिस है वहां पर उसने जो टाइम पीरियड है हमारे पास, ईयर्स है, उसको रख लिया भाई 1951 से लेके 2010 का हमारे पास डेटा है। अब सब में जो सबका मैंने कहा था कि इक्विडिस्टेंस होगा, यहां पर हर बार डायग्राम की हर कॉलम की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है ना, क्योंकि सबकी वैल्यू हर 10 साल की दे रखी है, किसी में 9 साल की नहीं, किसी में 11 साल की नहीं, किसी में 1 साल की नहीं, किसी में 15 साल की नहीं, सब में कॉमन ईयर की डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो देखो 1951 से लेके 60 के बीच में, 1951 से लेके 60 के बीच में हमारे पास जो बर्थ रेट थी वो कितनी थी, 45% की थी। उतना 10 साल का हमने 0.10 की वैल्यू थी, तो हमने एक कॉलम खड़ा कर दिया 45 तक का, ठीक है। आगे कॉलम किया 61 से लेके 70 का, वो 35 का, फिर 30 का, 28 का, 24 का और 20 का, मतलब रेगुलरली क्या है, बर्थ रेट कम हो रही है हर साल। और सबका यहां पर देखना कुछ फीचर्स थे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है, यहां पर शो कर रखे क्या, किसी भी जो हमारे पास कोई भी कॉलम है क्या सबकी हाइट कॉमन है, सबकी हाइट सेम है बच्चे, किसी की भी हाइट सेम नहीं है, वो सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, पर सबका बेस क्या है, सेम है, सबके बीच में डिस्टेंस कैसा है, सेम है, ठीक है। ऑर्डर कैसा है, सबका ऑर्डर कैसा भाई, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो। तो ये हमारे पास वर्टिकल बार डायग्राम था। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम कैसा होगा वो भी देखो, यहां पर हमारे पास एक और इलस्ट्रेशन है जहां पर उसने एक हॉरिजॉन्टल डेटा दे रखा हमारे पास, कुछ स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दे रखे हैं, ए के 300 मार्क्स, बी के 250 मार्क्स, सी के 200 मार्क्स, डी के 150, ई के 100 और एफ के 50, एक ऑर्डर के मार्क्स दे रखे हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग कोई भी ऑर्डर हो। हॉरिजॉन्टल उसने डेटा हमारे पास यहां पर दे दिया, जो स्टूडेंट की कैटेगरी थी अब उसने क्या किया है, मार्क्स को उसने ले दिया है वाई एक्स एक्सिस पर, ठीक है, जो मार्क्स थे उसने उसको एक्स एक्सिस पर ले दिया है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो कैटेगरी की स्टूडेंट्स की उसने उसको ले दिया है हमारे वाई एक्सिस पर। अब वहीं पर इक्विडिस्टेंस है, यहां पर जो बार हमारे कॉलम्स बने हैं वो हॉरिजॉन्टल बने हैं, वो स्टैंडिंग फॉर्म में नहीं है, वो एक हमारे पास जो हमारी वाई एक्सिस की प्रेजेंटेशन है एक्स एक्सिस उसके पैरेलल बने हैं, या फिर हम लोग कहें तो वो एक जो स्लैंटिंग पोजीशन है ना उस पोजीशन पे है वो यहां पर, ठीक है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है, ठीक है। तो देखो एफ का सबसे पहले एफ का दे दिया, यहां पर वो डेटा प्रेजेंट कर रहा है असेंडिंग फॉर्म में, ठीक है, कि हर बार जो ऑर्डर है वो इंक्रीज हो,
अगर मैं चाहूं तो उसको डिसेंडिंग फॉर्म में भी कर दूं, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला ए वाला, भाई सबसे पहले यहां पर एफ को शो कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अब एफ को क्यों क्यों शो किया बच्चे, क्योंकि जो हमारा डेटा था वो शो होगा जीरो से लेके इंक्रीजिंग फॉर्म में। मैंने यहां पर जो कॉमन पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उसको कहते हैं ओ पॉइंट या फिर जीरो पॉइंट। ओ का मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से सारी वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं, और सारी वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो कॉमन वैल्यू क्या दोनों की, जीरो, फिर 50, 100, 150, 200। तो 50 से स्टार्ट किया है, मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट किया है, तो जो मार्क्स की रिप्रेजेंटेशन होगी, जो कॉलम्स की प्रेजेंटेशन होगी, वो भी तो मिनिमम से स्टार्ट होगी, और मिनिमम कहां से है, लास्ट, सबसे लास्ट पॉइंट से। अगर मिनिमम ए से होता तो यहां से स्टार्ट करते, ठीक है, पर मिनिमम तो एफ से है तो यहां से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। ये थी हमारे पास जो सिंपल बार डायग्राम थे उसकी दो टाइप की प्रेजेंटेशन, वर्टिकल प्रेजेंटेशन और हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन भाई, ठीक है। जो आज का लेक्चर होगा उसमें सिर्फ इतना ही, आशा करता हूं आप सबको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद के जो चार टाइप के और बार डायग्राम्स हैं उनको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।